Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha, Tasmai Sri Gurave Namaha. Yatanto yoginashchainam pashyanti atmani eva avasthitam yatantaha api akrutatmanah nainam pashyanti achetasah. 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, यह जो जीव का प्रसंग है उसको ठीक से समझ करके समझदारी से त्याग देना है। देखो, जो भी बात बताई जाती है शास्त्रों में उसका तात्पर्य क्या है, किस लिए बताई, ये महत्व की बात है। तो जैसे जगत के निर्मिति का प्रसंग बताया, वो इसलिए नहीं बताया कि जगत का निर्माण हुआ है या करना है। प्रसंग क्या है, यहां तम वेदवित सवेदवित, जिसने इस जगत के प्रसंग को ठीक से समझा है उसी ने शास्त्रों के तात्पर्य को समझा है। उसके बाद आध्यात्मिक साधना की बात, फिर इसी इसमें बताया कि यह जो जगत है यदि ये नहीं है फिर भी प्रतीत हो रहा है तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते आप। रिकॉग्निशन ऑफ द इल्यूजन एज एन इल्यूजन इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ इल्यूजन। करना कुछ नहीं है, लेकिन हमको ये करने का जो रोग लगा है ना कुछ करना है करना है, करते रहो। फिर मेडिटेशन भी करेंगे, फिर कितने समय करोगे, आधा घंटे मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। देखो संतो, करना नहीं है। फिर असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, केवल इतना समझ लो कि हम किसी के भी साथ कभी भी अटैच नहीं होते। अटैचमेंट इज एन इल्यूजन। और ये बात ऐसी है कि अपना स्वरूप है। आकाश को क्या करना पड़ेगा कि ये चार महाभूतों के द्वारा प्रभावित न हो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। ये किसकी कहानी हो रही, ये आकाश की हो रही। एनम आकाश, शस्त्राणी न चिंदन्ति, शस्त्र माने पृथ्वी तत्व, वो नहीं काटते, पानी गिला नहीं करता, अग्नि जलाता नहीं और वायु सुखाता नहीं। अब ये जो स्थिति है आकाश की, इसके लिए आकाश को करना क्या है, कुछ नहीं करना। वही वैसी ही अपनी स्थिति है। देखो, पहले शरीर छोटा था फिर बढ़ने लग गया, हमको क्या हुआ, हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। हमारे जैसे बूढ़ा लोगों को अपनी उम्र का बड़ा अभिमान होता है। हमारे जमाने में हम अपने बड़ों की सुनते थे, और आजकल के जमाने में हमको बच्चों की सुननी पड़ती है, हमारे कोई सुनता ही नहीं। अब ये बताओ, हम बड़े हुए उम्र से हमारा क्या योगदान है इसमें, हमने क्या किया बड़ा होने के लिए। ये तो पृथ्वी है, सूर्य के अगल बगल में दौड़ रही है और उम्र हमारी बढ़ रही है। देखो महाराज, जब सूक्ष्मता से तत्व चिंतन होता है ना, तब पता चलता है कि जो हमने अपने आप को विशेष रूप से समझा है वो गलत है। तीन चार प्रकार के श्रोता होते हैं,
एक तो है श्रोता, श्रोता माने जो सुन रहे हैं, दूसरे होते हैं श्रोता और तीसरे होते हैं सरोता। सरोता मालूम है, जो सुपारी काटने के लिए जो होता है चक्कू, उसको सरोता कहते हैं। सुन रहे हैं लेकिन दिमाग, यहां तो उन्होंने ऐसा कहा, उस महात्मा ने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, अरे मारो गोली सबको, अभी रहो ना यहां। बहुत पुरानी बात है, हम बच्चों के जैसे छोटे थे तो तबला सीखने का शौक था हमको, हम तब फिर हमने बंद कर दिया शौक, इसलिए कि हम वहां सीखने गए और एक महीने में वो तबला टीचर मर गए। हमने कहा यार मैं ज्यादा लोगों को मारना नहीं चाहता, बंद कर दिया। तो जब उनके यहां गए तो वहां बोर्ड लिखा हुआ था, जो जानते हैं उनके लिए 50 रुपए पर मंथ, और जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए 5 रुपए पर मंथ। तो मैंने जब वो बोर्ड पढ़ा तो मैंने कहा कि गुरुजी ये वो पेंटर ने कोई गलती करी है क्या? बोले पेंटर ने नहीं गलती करी, ठीक है। बोले क्यों? जो पहले सिक्के आते हैं ना उनकी ये गलत आदतें निकालने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो ताजे एकदम आते जिन कुछ नहीं आता उनको जैसे बताओ फट से पकड़ लेते। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता द्वितीय अध्याय, श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते मति ते बुद्धि, तुमने इतना सुन के रखा है कि दिमाग में खिचड़ी हो गई है। शंकराचार्य ने कहा, मध्वाचार्य ने ये कहा, वो रामानुजाचार्य ने कहा, कबीर जी ने ये कहा, ओशो ने ये कहा, इसने ये कहा, और तुमको क्या कहना है? कंफ्यूजन। श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि, इसका कारण क्या है? एक ही है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्र का अध्ययन अपने मर्जी से कभी नहीं करना चाहिए। फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय माने जिन्होंने परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन किया है। देखो ये बहुत महत्व की बात है, लेकिन हम इतना उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं, मतलब नहीं इसका क्या है, बस दिमाग में कचरा हो गया तो फिर उसमें एक सरोता शुरू हो जाता है, तो कैसे समझ में आएगा? श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला, और ये प्रश्नों से हमको पता चलता है, जैसे मेडिटेशन को लेकर प्रश्न होते हैं। स्वामी जी हमारे यहाँ जो है ना, हम जहाँ आश्रम में जाते हैं ना वहां एक चीज देखते हैं, हमको वहां पूछने में डर लगता है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हमने मैं भी डराऊंगा। बोले नहीं आप बताओ। तो बोले देखो वहां कई लोग जब ध्यान करते ना तो ऐसे ऐसे करते झटका देते, ये क्या है? हमने कहा इसको कहते झटका मेडिटेशन, नींद आ रही है और कुछ नहीं है। देखो महाराज, हमने अपने मन को दो ट्रेनिंग दी है, आइदर द माइंड इज मल्टी पॉइंटेड, एक विषय से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा चल रहा, या तो दूसरी एक्सट्रीम द माइंड इज जीरो पॉइंटेड। दो एक्सट्रीम मालूम है हमको, या तो मन किचड़ किचड़ कर रहा है, या तो थोड़ा मन शांत हो गया सो जाओ। मन सिंगल पॉइंटेड करना है, सिंगल पॉइंटेड मन माने हम जब जहां जो है उस समय तब तहां वही रहना है। बहुत पहले, कई साल पहले हमने बंबई में अमृतानुभव पर सत्संग किया था,
76 टॉक्स हुए थे 2-3 साल में फैल करके। पहले दिन जब हम गए तो हमने बताया, देखो यहां आप खाली होके आना, कुछ पढ़ के मत आना, और जब सुनोगे, सुनने के बाद सब जितना सुना है यही छोड़ के चले जाना। द ट्रूथ इज नॉट ए कंसेप्ट। हम लोग एक धारणा बना लेते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं। देखो इसीलिए यहां जब कहते भगवान कि ये सब होते हुए भी यतंतः अपि योगिनः एनम अकृतात्मानः, अकृतात्मानः माने जिन्होंने यहां आत्मा का शब्द मन है, अकृतात्मा माने जिसने अपने मन का ध्यान नहीं रखा। मन का ध्यान रखने के जो प्रकार है उसमें अनेक प्रकारों में एक प्रकार है जिसको कहते हैं कृतोपास्ति। कृतोपास्ति माने जिन्होंने उपासना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर लिया है। अब अपनी उपासना सफल हुई कि नहीं हुई कैसे पता चलेगा, किसको पूछोगे? देखो एक कथा आती है त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में, परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, 22वें बार भगवान राम से टकरा गए और हार गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। जब व्यक्ति हारता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तब बाबा जी बनता है। तो चले गए हिमालय में, हिमालय में जाने वाले सभी फ्रस्ट्रेटेड है, तो चले गए एक पहाड़ पर, मलयगिरी पहाड़ पर दक्षिण में। वहां गए तो वहां एक महात्मा से मस्त फक्कड़ थे, मस्त बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। जैसे उनके संपर्क में गए परशुराम जी महाराज, एकदम उनको ऐसा दिव्य अनुभव आया। बोले कि महाराज ये क्या है, मुझे व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग। बोले ये ब्रह्मानंद है। बोले मुझे ठीक से समझाओ, आप ठीक से नहीं समझा रहे। तो उस समय वो तुरंत समझ लेते हैं। उन्होंने कहा देखो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और मैं गांव का हूं, मैं तुमको नहीं समझा सकता, इसीलिए ऐसे करो तुम इंटेलिजेंट गुरु के पास चले जाओ। कौन है? बोले दत्तात्रेय है, उनके पास चले जाओ। परशुराम जी चले गए दत्तात्रेय भगवान के पास। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा देखो वो महात्मा जी को मैंने पूछा ये क्या आनंद है, बोले ब्रह्मानंद, कुछ बताते नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इतना बड़ा ब्रह्मानंद फ्री में थोड़ी मिलता, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना है? उपासना। और फिर वहां का एक पत्थर उठा के दे दिया, ये त्रिपुरा देवी है, उसके 56 नियम बता दिए, ये करो ऐसा करो वैसा करो, घुमाते रहे 12 साल करो। 12 साल में ये फ्रस्ट्रेट होकर के वापस आ गए। मुझे लगता है मैंने 12 साल बर्बाद किए। बोले बर्बाद नहीं किए, क्योंकि तुम अभी पूछ रहे हो ये त्रिपुरा देवी जिसकी मैं उपासना, कौन है ये देवी? ध्यान से सुनना, उपासना का फल तत्व जिज्ञासा है। यदि हमने उपासना करी है और तत्व जिज्ञासा नहीं हुई तो हम संसारी हैं। देखो मंदिरों में जाने वाले, भगवान की उपासना करने वाले, पूजा करने वाले 99% यही होते हैं। एक तो डर डर के करेंगे, ओ मैंने उपवास था आज, ओ मैंने एकादशी थी, मैंने चावल खा लिया, अब क्या होगा। एक इसका एक और उदाहरण बता दें आपको, इसको स्पष्ट समझ लेना। एक हमारी अम्मा है मुंबई में, वो हिंदू है और उसके पति जैन है, और उनकी जो सास थी बहुत खड़ूस थी, भयानक परेशान करने वाली। लेकिन इस अम्मा ने अपनी सास की बहुत सेवा करी।
फिर भी आखिरी दम तक के वो अपने बहू को कोसती थी। तो जब वो बीमार हो गई, बिस्तर पर लेटी रही, उठ नहीं सकती थी, और बहू ने यदि कुछ खाना दिया तो फिर फेंक देती थी, नहीं खाऊंगा तुम्हारे यहाँ, मरते दम तक। कितनी घृणा उसके मन में थी। और उसके बाद एक दिन वो मर गई। अब मरने के बाद ये मेरी अम्मा आ गई मेरे पास, पर स्वामी जी मेरे सास का देहांत तो हो गया। हमने कहा चलो मिठाई बांटो, खोटू चला गया। बोले नहीं, मुझे ये पूछना है आपसे, अरे यहाँ भी प्रश्न है, मेरे पीछे ऐसे प्रश्न लगे रहते हैं, मैं भागता हूं जहां प्रश्न है वहां। एक सिद्धांत पकड़ लो, प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में होते हैं, अन्य के बारे में जान करके आपको कुछ लाभ नहीं होगा जीवन में, और आप वो है जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आ सकता। वह जो निर्विशेष सत्ता है वो है आप, उसको पकड़ के रखो ना। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी मेरी सास का देहांत तो हो गया, लेकिन मुझे एक प्रश्न है। हमने, आप क्या मरने के बाद क्या प्रश्न है, जिंदा होके आएगी क्या? बोले नहीं, वो आषाढ़ी एकादशी के दिन मरी। और लोग कहते हैं आषाढ़ी एकादशी के दिन मरने से वैकुंठ में जाते हैं। अब मुझे समस्या ये है, मैं मर के वहां जाऊं तो वहां फिर वो होगी क्या? समस्या देखो। हमने कहा अम्मा थोड़ा शांति से विचार करो। उसको मालूम था क्या जब वो मरी कि ये वैकुंठ एकादशी है? बोले नहीं, फिर नहीं जाती वो, नहीं जाती। वेरी गुड, वेरी हैप्पी। ध्यान से सुनना, उपलब्धि लाभ हमेशा ज्ञान से ही होता है, सिद्धांत पकड़ लो पक्के। एक बार एक छोटी सी लड़की आकर के हमारे दाढ़ी में एक स्पाइडर था, हमको तो पता नहीं, हम लेक्चर दे रहे, वो उठ के आई और मेरे कान में कहती, स्वामी जी आपके दाढ़ी में स्पाइडर है, धीरे से निकालना, टिश्यू पेपर ले लो और खींचना मत, धीरे से निकल चली गई। अब वो स्पाइडर था लेकिन उसका ज्ञान मुझे नहीं था कि ये है। देखो कितनी महत्व की बात है। तो पूरा का पूरा उपासना का फल केवल जिज्ञासा है, और जिज्ञासा से जो वस्तु प्राप्त होती है वो कभी नष्ट नहीं होती। कर्म से, उपासना से जो प्राप्त होगी वो नष्ट होगी। देखो इसीलिए यतंतः अपि अकृतात्मानः, अकृतात्मानः माने जिन्होंने उपासना करी लेकिन उसमें फंस गए, उसे निकल जाना है। डर डर के नहीं करना कुछ जीवन में। अगले अध्याय में पहला ही शब्द है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तपार्जवम। ये जो है ये है दैवी संपत्ति। दैव संपत्ति वाला ही तत्व को प्राप्त कर सकता है, आसुरी संपत्ति वाला नहीं। इसीलिए यतंत योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतंतापि अकृतात्मानः, जिन्होंने अपने मन को नहीं सवारा। मन को सवारने का तात्पर्य है हमारे मन में कम से कम वृत्तियों का निर्माण हो, विचार करना बंद कर दो। अब ध्यान से सुनना, पानी से नुकसान नहीं होता, नदी से नुकसान नहीं होता, लेकिन उसी नदी में पानी का जब बाढ़ आ जाती है और वो बाढ़ में यदि हम फंसे तो बह के चले गए। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, विचारों की परेशानी नहीं है, विचारों का प्रवाह, द मोमेंटम ऑफ थॉट्स, इफ इट गैदर स्पीड यू आर कैरिड अवे अलॉन्ग विद द थॉट्स। और कौन से विचार होते हैं? वो विचार होते हैं जब अपूर्ण वस्तु के साथ विचार करो तो एक विचार के बाद दूसरे विचार का जन्म होता है। उदाहरण के लिए
पहले दिन मैं ज्योति के यहाँ था, सुबह उठ करके मैं अपनी साधना करता हूँ चाय बना करके पीने की। तो मैं गया किचन में, अब चाय बनानी है, तो फिर मैंने ढूंढा को लाइटर कहाँ है, लाइटर कहाँ है, वो मिल गया। तो चाय पीनी है पहला थॉट, दूसरा थॉट लाइटर कहाँ है, लाइटर कहाँ है, अब वो मिल गया। अब चाय की बत्ती कहाँ है, चाय की बत्ती कहाँ है, फिर खोल खाल के देखा, तीसरा थॉट। तात्पर्य क्या है, अपूर्ण वस्तु के बारे में चिंतन करो तो एक विचार के बाद दूसरे विचार का जन्म होता है। अब पूर्ण का विचार करो, श्री राम जय जय राम, कंप्लीट इन इटसेल्फ, दूसरे विचार का जन्म नहीं होगा। ध्यान से सुनो, भगवान के नाम को लेने का तात्पर्य अपने विचार के प्रवाह को रोकना है। जैसे बढ़िया रास्ता हो तो गाड़ी जोर से चलाते हैं तो बीच में स्पीड ब्रेकर डाल देते हैं, तो ये भगवान का नाम जो लेना है ये स्पीड ब्रेकर के जैसा है। इसके द्वारा विचारों का प्रवाह रुक जाएगा, धीरे होगा, धीमे होगा, और फिर उसी में नहीं फंसना। मैकेनिकली कुछ नहीं करना जीवन में, हम जो भी करते हैं मैकेनिकली करते हैं, इसीलिए उसमें रस नहीं होता। हम वहां थे पिछले कुंभ मेला में, 2012-13 में जो हुआ था महाकुंभ मेला, वो 144 साल में एक बार आता है, तो हम उसमें थे, 21 दिन थे हम, बड़ा आनंद आया। तो वहां अब तो वो नहीं रहे सज्जन, एक बूढ़े सज्जन थे, संस्कृत विद्यालय के प्रिंसिपल थे, हम जहां रहते थे वहां वो भी आए थे, तो बड़े विद्वान थे, संस्कृत के प्रिंसिपल माने साधारण तो हो गए नहीं, और बूढ़े थे 90 साल के करीब में। तो हम बैठ करके उनका भागवत पर सत्संग सुनते थे, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप भगवान का नाम नहीं लेते क्या। हमने कहा मुझे आप पे भगवान दिख रहे, क्यों नाम लूं मैं, उनको क्यों डिस्टर्ब करूं। बोले नहीं लेना चाहिए। ना ठीक है मैं ले लूंगा। और वो उन्होंने मुझे कहा ये जब पर कुछ बोलो, जब कैसा करते। तो मैंने कहा देखो जब ऐसा करते हैं जैसे हम चॉकलेट खा रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाई और चॉकलेट खाने में क्या फर्क है। आयुर्वेदिक दवाई हम निकल करके एकदम गल्प कर लिया, ऊपर से मिठाई खाई, पानी पी लिया, वो कड़वाहट निकाल दी, उसका टेस्ट थोड़ी लेते। कूट जा रिष्ट आहा, नाम इतना भयानक है। और चॉकलेट खाते हैं तो कैसा खाते हैं चॉकलेट, मुंह में चॉकलेट डाला फिर पार्किंग लॉट में रख दिया और घंटे तक उसको चूसते रहे। हमने कहा भगवान का नाम ऐसा लेते हैं जैसे हम चॉकलेट खा रहे हो। भगवान के नाम में रस निष्पत्ति होती है। देखो महाराज बहुत महत्व की बात है, इंस्टेड ऑफ हाउ मेनी टाइम्स वी हैव चैंटेड, what is important is how much time we are with the divine thought. तो धीरे धीरे, जल्दी नहीं। अब हम जो आपको बता रहे हैं ना अकृतात्मान का बता रहे हैं, तो मन को परिमार्जित करना, मन को नियमित करना, मन को नियंत्रित करना, इसके लिए हमारे शास्त्रों में जप साधना का विधान आया है। पहले तो हमको जो मंत्र करते हैं वह मंत्र जितना आपको बताया आपके गुरु महाराज ने उतनी माला खत्म कर डालो, ये तो वो दिमाग में विक्षेप डालेगा, खत्म कर दी। उसके पश्चात वो एक नियम का काम हो गया। फिर दूसरी बात, अब मन को डिसिप्लिन करना है। कैसे करना है,
भगवान का जो नाम है जो भी है वो लेते समय इन बिटवीन भिन्न प्रकार का विचार न आवे, यहां ध्यान देना है। तो जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तीन बार लिया, इन बिटवीन देर इज नो डिसिमिलर थॉट। पहले इसमें निष्ठा प्राप्त करनी है। तीन बार जब हम भगवान का नाम लेंगे तो बीच में एक भी वृत्ति नहीं उठेगी। पहले ये अभ्यास, ये स्टेमिना बन गया, फिर उसका नंबर बढ़ाओ पांच बार का। तो पांच बार नाम लेंगे, नो डिसिमिलर थॉट शुड इंटरसेप्ट इन बिटवीन। फिर सात बार लो, धीरे 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 मन डिसिप्लिन में आ जाता है। और ये हमने कहां से सीखा? देखो, मनुष्य अपने अनुभूतियों से जितना सीख सकता है ना, और कहीं से नहीं सीख सकता। असली आध्यात्मिक साधना है लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस। बाहर से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो आपको सबसे पहले जब गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई थी तो बताया था कि देखो, आप लोग जो है ना वैखरी वाणी से 11 बार करो मंत्र, उतना काफी है। तो शिष्य कौन होता है? जो गुरु की बात मानता नहीं वो शिष्य होता है। हम वैसे ही थे। तो हमने सोचा 11 बार क्यों, क्या हम 108 बार नहीं कर सकते? और वैखरी वाणी से क्यों करना है? लोगों को दिखाना थोड़ी है, हम मन में करेंगे। और शुरू हो गया, हाथ में माला ले ली, दो चार बार हो गया ओम भूर्भुवः स्वः। फिर एक खिड़की काम कर रही है, दूसरी खिड़की खुल गई। देखो, फिर दूसरी खिड़की में, ये आश्रम में ये कपड़े धोने की मशीन क्यों नहीं रखते? रोज उठ करके ठंडे पानी से कपड़े धोने पड़ते हैं। ये कौन सी साधना है? या तो पढ़ने के लिए आए, अरे ओम भूर्भुवः स्वः दशरथ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। और फिर हर बार ऊपर देंगे, कितनी माला अभी और पाएंगे, ओम भूर्भुवः स्वः दशरथ। और रोज ये इडली सांभार खा के तंग आ गए, दूसरा कुछ बना दी नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः दशरथ। ऐसा हमने 6 महीने किया, और एक दिन भगवान की कृपा से हमने अपने आप को पकड़ लिया। अरे यार, तू क्या कर रहा है? अपनी औकात पहचानो, हम किसके लायक है। देखो, और इसीलिए कितने बार हमने भगवान का नाम लिया, ये खाना पूर्ति नहीं है अध्यात्म। अपने मन पर नियंत्रण लाने के लिए यह जप साधना बताई है। और जैसे आपने 3 बार का परफेक्शन कर लिया, फिर 2 मंत्रों के बीच का जो शांत भाग है, शब्द का अभाव, अब उसको बढ़ाने का प्रयत्न करो। श्री राम, श्री राम, यह शब्द के अभाव को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है वो हमारा स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, लय विक्षेपयोः संधौ मनस्तत्र निरामिषम ससंधि साधितो येन समुक्त नात्र संशया। 2 शब्दों के बीच में लय और विक्षेप, श्री राम विक्षेप है। फिर शांत हो गया, लय हो गया।
कि दूसरा विक्षेप श्री राम दो श्री रामों के बीच में जो शब्द का अभाव है नो बी अवेयर ऑफ दैट. जब हम शांति का श्रवण करते हैं तब क्या होता है, हमारे कान केवल शब्द को ही ग्रहण कर सकते हैं, कान शांति को ग्रहण नहीं कर सकते. लेकिन हम यदि शांति को ग्रहण करने लगे तो क्या होगा, तो हम कान के परे चले जाएंगे. तो शांति को ग्रहण करना माने क्या, शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना. ये जड़ साधना नहीं है, ये नींद नहीं है, सब ज्ञान हो रहा है, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, रंग का, लेकिन किसी का भी प्रभाव हम पर नहीं. और ये दो शब्दों के बीच में जो संधि है, शांति है, मनः तत्र निरामिषम, वहां मन किसी भी विषय को ग्रहण नहीं करता, निर्विषय मन ही चैतन्य है, जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य है उस ज्ञान को मन कहते हैं. और जिस ज्ञान में अनात्म भाव का अभाव है वह चैतन्य है. देखो, अब यदि हम इन लोगों के बोलने के कारण डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हो. दुनिया को लगने तो आग, अपनी बैठक को कभी नहीं छोड़ना. अध्यात्म वो नहीं है, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, कीप साइलेंट, डोंट डिस्टर्ब, वी आर सफिशिएंटली डिस्टर्ब इनसाइड. नहीं, दुनिया को आग लगने दो. हम लोगों की साधना 5-star साधना है, आईसी, यूसी, डीसी, लेट एनीथिंग हैपन, रिफ्यूज टू बी डिस्टर्ब्ड. देखो कैसा आनंद आता है जीवन में. और ये हमने अपने को ट्रेनिंग दिया है, थोड़ी मोटी छोटी चीज आ जाए तो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं. इसीलिए अकृतात्मानः, हमने अपने इस मन का कभी ध्यान ही नहीं रखा. अच्छा, दूसरी बात आप लोगों ने सुनी होगी कि बिल्कुल साक्षी भाव से देखो, इस चक्कर से अपने आप को बचाओ, साक्षी के चक्कर में कभी मत पड़ना. ज्यादा से ज्यादा अपने लड़की का नाम रख दो साक्षी. साक्षी माने क्या, मैं आप सबको देख रहा हूं, आप नीचे बैठे हैं, आपकी परेशानी मुझे स्पर्श नहीं कर रही क्योंकि मैं कंफर्टेबल सीट पर बैठा हूं, तो मैं आपके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा हूं. ये साक्षी भाव हो गया. अभी साक्षी भाव में मेरा ध्यान कहां है, आपके तरफ है, तो अनात्मा हुआ आ गया ना. फिर क्या करे, रिमेन इंडिफरेंट, हु केयर्स. एक बार हम एर्नाकुलम गए थे केरला में, और बड़ी लंबी जर्नी थी, कहाँ कहाँ से आए थे, और वहाँ 12-1 बजे पहुँचे. हमने कहा देखो भाई मुझे रवा दोशा खिलाओ, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन रवा दोशा, और केरला में रवा दोशा बढ़िया होता है. तो खूब डट के खाया, भूख कस के लगी थी. और हमारे कुछ नियम है, खाने के बाद हम तुरंत सो जाते हैं, डोंट वेस्ट टाइम, सब सो गए.
और फिर ऐसी गहरी नींद लग गई, वो आ गया हमको, स्वामी जी प्लीज हमने देखो यार मैं सो रहा, डोंट डिस्टर्ब मी, फिर सो गया। नहीं एक मिनट, थोड़ी सी बात है, हमको बोर्ड पर लिखना है आप किस विषय पर प्रवचन देंगे वो लिखना है, प्लीज टेल सम सब्जेक्ट, अच्छा हु केयर्स यार, गेट अवे, चले गए। और उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया, स्वामी जी हु केयर्स इस विषय पर बोलेंगे। बड़ा मजा आया और इतना आनंद आया उस हु केयर्स पर, जाना खाली पीली, सीरियस मत होना अध्यात्म में, कीप योर सेल्फ ऑलवेज एम्प्टी। देखो अध्यात्म में तैयार करके नहीं होता कुछ। एक प्रोफेसर थे राधा रही, वॉज ए वाइस चांसलर ऑफ बिट्स पिलानी, ही इज नो मोर, साउथ इंडियन। उन्होंने एक बार मुझे उनके घर बुलाया खाने के लिए, बोले स्वामी जी मुझे आपसे पूछना है। मैं पूछो, बोले आई एम ए प्रोफेशनल टीचर, मुझे हमेशा एक ही बात रहती है, जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूं हमेशा लगता है 10 मिनट और मिल जाए तो अच्छा है। और मैं आपको देखता हूं, आप टाइम से शुरू करते हो, टाइम से बंद करते हो, ये आप कैसे करते हो, एंड देर आर नो लूज एंड्स लेफ्ट बिहाइंड, एवरीथिंग इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, कैसे करते हो। हमने कहा मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, होता है तो होता है, नहीं तो नहीं, हु केयर्स। बोले नहीं नहीं नहीं, हमने कहा मैं आपके बारे में बता सकता हूं आपकी क्या परेशानी है। क्या? आप जब लेक्चर को जाते हो तो प्रिपेयर करके जाते हो, इतना बोलना है, इतने उदाहरण देने हैं, और जितना आपने प्रिपेयर किया या तो वो समय में कम होता है या समय में ज्यादा होता है। समय में कम हो गया तो फिर आप एकदम ब्लैंक हो जाते, अब क्या पढ़ो, आगे पढ़ा ही नहीं। अध्यात्म अनुभूति को प्रकट करता है। फिर मैंने उनको उदाहरण दिया, हमने कहा समझो, आपको बताया कि विवेकानंद के बचपन पर आप प्रवचन दो तो आप क्या करोगे, यू विल गो टू द डिवाइन पेरेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। आपको मालूम है डिवाइन पेरेंट्स, शिव शक्ति नहीं, गूगल, एनीथिंग यू वांट यू गो एंड आस्क गूगल, गूगल इफ यू गॉट एलेक्सा स्टिल बेटर। देखो तो गूगल इज अवर फादर, हु इज मदर, मदर यू डोंट नो, अम्मा जान, Amazon. अम्मा जान इज कॉल्ड एज अमेजॉन। देखो तो हमने उनको कहा कि देखो जब तक के आपके दिमाग में ये है मुझे इतना पूरा करना है तब तक के परेशान रहोगे, तो समझो आपको विवेकानंद के जीवनी पर बोलना है तो आप क्या करोगे, गूगल जाओगे और अपना लेक्चर तैयार करोगे, पढ़ोगे और अंदाज करोगे इतना लेक्चर इतने में समय हो जाएगा। और समझो आप गए और आपका लेक्चर 15 मिनट पहले खत्म हो गया तो अब क्या करें। अच्छा आप अपने बारे में बोलो, तो जब आप अपने बारे में बोलने लगोगे कहोगे क्या कि मैं गूगल को पूछता हूं। देखो महाराज, हमारे कबीर जी महाराज कहते पोथी पढ़ के कोई पंडित नहीं भया, यहां यही बात कहते हैं अकृतात्मानः, अपने मन को संवारना है। जितनी आध्यात्मिक साधना है, कर्म योग उपासना और ज्ञान, चार बातें भगवद गीता में बताई है, सबका प्रयोजन केवल मन को संवारने में है। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते, मन का समत्व खोने नहीं देना कर्म। और योग, योग इज आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। देखो स योगी परमो मता। उपासना सिद्ध वहां भी कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित,
उसके लिए निंदा या तारीफ हो, तुल्य समान है, कोई फर्क नहीं। और ज्ञान में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी शुनि जैव श्वपा के च पंडिता समदर्शिना, सम इज इंपॉर्टेंट। तही इह जित सर्ग येषाम साम्ये स्थितम मनः, कितने बार शब्द आया देखो, ये निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। तो भगवद गीता में क्या बताया है, दो शब्दों में बताना हो तो भगवद गीता में जिस रोग का वर्णन किया है उस रोग का नाम है ममता, डोंट गो टू वेस्ट बंगाल। और इस रोग के निवारण के लिए जिस दवाई का नाम दिया है उसका नाम है समता, समत्वम योगोच्चते। देखो इसको कहते कृतात्मानः, जगत में रहे लेकिन ध्यान होना चाहिए अपने मन के स्थिति पर। तीन स्थानों पर ध्यान हो सकता है, जैसे मैं आपके पास सामने बोल रहा हूं तो मेरा ध्यान हो सकता है आप पर कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आप बदलोगे कि नहीं बदलोगे। नेट रिजल्ट क्या होगा, आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड, मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूं लेकिन समझते नहीं कोई, तो फ्रस्ट्रेशन। दूसरा स्थान कहां हो सकता है, अपने पर, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो बाहर जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन, मैं में आएंगे तो एरोगेंस। साधक का लक्ष्य ना दुनिया पर है ना अपने पर है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे, जगत में कर्म करने के पहले, कर्म करते समय, कर्म होने के पश्चात अपने मन का संतुलन यदि नहीं बिगड़ा तो हम साधक हैं। कर्म करने के पहले एक्साइटमेंट, कर्म करते समय कंफ्यूजन, कर्म होने के बाद रिग्रेट्स और एरोगेंस, ये साधक नहीं है। देखो इसीलिए यतंतः अपि अकृतात्मानः, इसलिए कितने साधक बड़े सिंसियर होते हैं लेकिन उनका ध्यान अपने मन के तरफ नहीं होता। आप कभी माहूर गए होंगे तो माहूर जहां रेणुका देवी का मंदिर है तो ऑन द वे एक जंगल आता है, उस जंगल में एक मंदिर है मंदेव। तो हम जब गए वहां तो हमारे साथ जो सज्जन थे वो समझिए मंदेव कौन से देव है, हमने कहा यार मन ही देव है, द्योतना देवहा, जो प्रकाशक है उसको मन, उसको देव कहते हैं, अपना मन ही सब कुछ है। माइंड योर माइंड यू आर डन ए ग्रेट फेवर टू योर सेल्फ, वी टेक अवर माइंड फॉर ग्रांटेड। इसीलिए हमने अकल पूछा था आपको, इसका उत्तर मत देना, जिंदगी भर हमने कभी कितना अपने मन का ध्यान रखा है। देखो मन में विचार आते हैं, क्या इसके कारण हम विचारवान हैं? देखो उदाहरण से समझ लो, जंगल और बगीचा, जंगल में भी पेड़ पौधे होते हैं, बगीचे में भी होते हैं। जंगल में हम जब जाते हैं तो डरते हैं और बगीचे में जाते हैं तो खुश होते हैं, क्या कारण है? क्योंकि जंगल के पेड़ पौधों का कोई नियम नहीं, वहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। और गार्डन में वहां भी पेड़ है लेकिन वहां एक एक पेड़ पौधा चुन चुन के लगाया है, दो पेड़ों के बीच में अंतर है, साफ सफाई है, जंगली पशु नहीं है, इसीलिए वहां जाने से आनंद होता है। ध्यान से सुनना, अब देखो अपने अंदर में हमारा मन जंगल है कि बगीचा है, या वो हम अपने आप से जितने परेशान होते हैं और किसी से परेशान नहीं होते हैं।
देखो, इधर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कितने वयस्क लोगों की ये प्रश्न हमारे पास आते हैं, पूछते स्वामी जी सब कुछ ठीक है, हमारे बच्चे सेटल हो गए हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, सब कुछ, लेकिन पता नहीं मन बहुत उखड़ा उखड़ा रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो, सो दे आर कंफर्टेबली मिजरेबल। एक ही कारण है, ध्यान से सुनना, डोंट गिव योरसेल्फ वन एक्स्ट्रा सेकंड फ्री। जितना ज्यादा समय हमको परेशान करता है उतना कम समय हमको परेशान नहीं करता। देखो, तो अपने समय को भरना है, एक मिनट खाली नहीं रहे, 24/7। रामदास स्वामी जो कहते हैं ना, उपासने ला दृढ़ता लवावे, ये उसका अर्थ है। देखो, इसीलिए अपने जीवन में एक भी दिन खाली ना हो, वर्क 24/7 365 days। देखो जीवन में कितना आनंद आता है। एंड द बेस्ट वे टू टेक रेस्ट इज चेंज योर वर्क। देखो पढ़ाई करो, अब समझो दिमाग में नहीं घुस रहा था, नेवर माइंड, फिर कुछ भजन कीर्तन सुनो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कपड़े धो लो, कपड़े धो, नहीं तो इस्त्री करो, कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड, डोंट हैव वन सेकंड फ्री। कृतात्मानः, तब हम अपने मन का ध्यान रख रहे हैं। देखो महाराज, तो यतंतः अपि कृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। अब यदि हमारा मन हमने ठीक से लिया है तब उस मन को समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, फिर उनको समझ में आएगा कि यह जीव यह व्यक्ति नहीं है, जीव यह अभिव्यक्ति है। देखो राष्ट्रपति ये व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है, यह अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से पति ये भी अभिव्यक्ति है। कोई भी बेवकूफ किसी बेवकूफ से शादी कर ले तो जो पैदा होता है वो बेवकूफ पति होता है। पति माने कोई खास बात थोड़ी है, कोई भी किसी से शादी कर ले हो गया पति, और वो छोड़ के चली गई तो पति का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखो महाराज, और ये जितने भी दुख है ना संसार के, ये इन्हीं लोगों में है, जो नहीं है वो दुखी हो रहे हैं। और एक बार एक पति पत्नी हमारे पास आए और पत्नी ने मुझे कहा, स्वामी जी आप इनको समझाओ, ये आपकी बात मानते हैं, मेरी तो बिल्कुल नहीं मानते और मुझे सबके सामने बेवकूफ कहते हैं, मुझे इतना अपमान लगता है, आप इनको समझाओ, सबके सामने मुझे बेवकूफ ना कहें। हमने कहा अम्मा मैं तो इनकी साइड लूंगा, वो जो कहते ठीक ही है। उसको और गुस्सा आ गया, आप भी मुझे कहते हैं, हाँ कहते हैं, क्यों, ऐसे आदमी से शादी करने वाली समझदार नहीं हो सकती। एकदम खुश हो गए, स्वामी फिर ठीक है। देखो संतो, जीवन में कितना गंभीर होकर के जीते हैं। लाइफ इज फॉर सेलिब्रेशन। हम इस दुनिया में एक वेकेशन के लिए आए, यहां टिकने के लिए नहीं आए। कितने आके चले गए, आपके राम की अयोध्या कहां गई, कन्हैया की द्वारका कहां गई, अपना 1 BHK 2 BHK रहने वाला है, कहां फंसे है महाराज। कृतात्मानः, सो यतंतः अपि, इसीलिए इतना सारा अध्यात्म अध्यात्म करते हैं लेकिन जीवन में कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, रिस्पेक्ट, रिवरेंस। एक हमारे मित्र कहाँ के थे, बहरीन के होंगे शायद, बहुत पुरानी बात है, तो वो हमको पूछ रहे थे, उनको उनके गुरु महाराज ने बताया, वो रिटायर हो गए थे सब चीजों से, बोले तुम ऐसे करो
गुजरात में चले जाओ, अपना आश्रम है वहां, वहां जाकर के आपको सेवा करनी, वहां सेवा करो। तो फिर मुझे उन्होंने पूछा, मैं जब गया बोले महाराज जी ने मुझे ऐसे बताया, मैं क्या करूं। हमने कहा तुम्हारा और तुम्हारे गुरु का चक्कर, मुझे क्यों बुलाते हो बीच में, जो मर्जी है करो। बोले नहीं, आई जस्ट वॉन्ट यूर थॉट्स, यानी मेरे थॉट्स मैं बताऊंगा अपने बारे में, मैं नहीं जाऊंगा। बोले लेकिन गुरु महाराज ने कहा मैं भी जाओ, तो मुझे क्यों पूछा है। वो चले गए वहां। वहां जाने के बाद 3 महीने में वापस आ गए और फिर मुझे कहीं मिले, कहते स्वामी जी आपने ठीक ही कहा था। हमने कहा देखो, मैंने आपको उस समय बताया था यहां कि जो सोसाइटी है आपकी, उसमें आपको लोगों ने ऊपर चढ़ा के रखा है, वहां चले जाओ, इंडिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, कोई आपको पूछेगा तक नहीं, हेलो तक नहीं कहेगा, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग स्टार्वेशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस, एंड दैट विल मेक यू फ्रस्ट्रेटेड। देखो महाराज, निंदकाचे घर असावे शेजारी, जो अपनी तारीफ करते हैं वो अपने दुश्मन होते हैं। देखो संतो, इसीलिए यही है, यथंता आप अकृतात्माना, इतना सारा हम करते हैं लेकिन कभी अपने मन का ध्यान नहीं रखा, और इसलिए नयनम पश्यन्ति अचेतसा, तो उनका अचेतस माने मूर्खता क्या है, यही है, दे आर लॉस्ट इन लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट। इतना सारा पढ़ लिया है, डाइजेशन हुआ ही नहीं। देखो, 2 आदमी थे, एक साउथ इंडियन एक बंगाली। बंगाली ने रसगुल्ले खाए, जलेबी खाई, संदेश खाया, कुछ तो भी हुआ उल्टी हो गई। साउथ इंडियन ने इडली सांभर खाया, कुछ तो हो गया उसकी भी उल्टी हो गई। और हम ये कहेंगे क्या, खैर इसकी तो अच्छी उल्टी है रसगुल्ले की, इसकी इडली सांभर की है, ऐसा कहेंगे? उल्टी तो उल्टी है ना। इसी प्रकार से चाहे दुनिया के विषय हो, चाहे शास्त्र के विषय हो, यदि डाइजेस्ट नहीं हुए, अनडाइजेस्टेड थॉट्स व्हेन दे कम आउट, इट इज डिस्गस्टिंग। देखो संतो, अकृतात्माना, इसीलिए पूरी की पूरी साधना केवल अपने मन को संवारने में, मन को संवारो। मन को संवारना माने भगवान ने 18वें अध्याय में बताया है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। पहली बात, स्पिरिचुअल लाइफ इज लिविंग हैप्पीली। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता जो बताई है, कैसी बताई है, संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, प्रहसन इव भारत, हे भारत हे धृतराष्ट्र। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता अर्जुन को जो बताई है, प्रहसन इव, हंसते हंसते बताई है। जब ओरिजिनल डिस्कोर्स यदि हंसते हंसते है, हम क्यों रोए? देखो, इसीलिए यतनता अपि अकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। फिर यहां तक बताने के बाद, अब हमने समझो अपने आप मन को सवार लिया है। जब मन को सवार लिया है तो हमको क्या दर्शन होगा? हमारे इंडिया में ज्ञान दुनिया में फैला हुआ है फ्रीली। कोई भी ट्रक देख लो, ट्रक के पीछे ज्ञान लिखा हुआ है। भारत का मतलब ही हुए, भा माने ज्ञान, भा माने प्रकाश, प्रभा, भास्कर, भानु, विभा, आभा, भाभा, देखो भा माने प्रकाश। भारत जो ज्ञान में प्रकाश में रत है, वो भारत है। तो धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं, प्रहसन्निव, भगवान ने हंसते हंसते पूरी भगवद गीता बताई, जो ओरिजिनल डिस्कोर्स सिंपल कंफर्टेबली बताया, हम क्यों इतने गंभीर हो जाए उसमें? एक बात आपको और बताया, आपको भगवद गीता के 1936 में प्रयागराज में एक गोष्ठी हुई थी, गीता की गोष्ठी। आपने नाम सुना, बहुत बड़े संगीतकार, भगवान के भक्त थे, वीडी पलुस्कर।
तो उन्होंने वहां ऑर्गेनाइज किया था और बड़े बड़े विद्वान साधु संन्यासी आ गए थे और अपने अपने विचार बता रहे थे. कोई कहता है कर्म है, कोई कहता है ज्ञान है, कोई कहता है भक्ति है. जैसा माइसनेस वैसी भक्ति है. भगवत गीता ऐसी, आपको जो चाहिए मिल जाएगा उसको. तो उतने में एक अवधूत स्टेज पर आ गए. जब अवधूत आ जाते सब लोग चुप हो जाते. उनको कोई नियम नहीं है, वो सभी वर्णाश्रम के परे आकर के बोले रुको. तो सब लोग रुक गए. फिर उन्होंने माइक लिया हाथ में, बोले काहे को आप लोग खाली पीली परेशान हो रहे हो. ज्ञान है कि अज्ञान है, कि अद्वैत है कि विशिष्ट अद्वैत है, कि ये क्या है, बकवास है. ये दो दोस्तों के बीच में की कहानी है और दोस्तों की बातें दोस्त ही समझते हैं. एक बार एक लड़का मोटरसाइकिल पर आया अपने दोस्त को मूवी ले जाने के लिए. तो जैसे रुका बाहर तो उस दोस्त के पिताजी खड़े थे. उसने सोचा बाप रे अब यहां खूंसट हिटलर खड़ा है, अब कैसे करें. तो जैसे आ गया उस बाप ने पूछा किस लिए आए हो. नहीं मैं जा रहा था फिजिक्स के क्लास के लिए, अशोक बोल रहा था कि उसको भी आना है तो उसको पूछना है कि मैं फिजिक्स के क्लास ले जा रहा हूँ, आना है क्या. फिर इस बाप ने बांग मारी, अशोक तुम्हारा दोस्त आ रहा है, तुमको क्लास में जाना है ना फिजिक्स से. हाँ पापा. चला गया. कहाँ चले गए. माई फेयर लेडी. अब मुझे बताओ फिजिक्स की क्लास का अर्थ माई फेयर लेडी ये कौन से डिक्शनरी में. ये दोस्तों की भाषा है. तो भगवत गीता समझनी हो ना, भगवान के दोस्त बनो ना, तुरंत समझ में आएगी. डोंट पुश हिम अवे. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच. देखो कृतात्मानः माने जिसने परमात्मा को अपने से दूर नहीं ढकेला. यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया. देखो देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि. यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया. जहां देहाभिमान खत्म हो गया, गलिते गल गया, और विज्ञाते परमात्मनि और परमात्मा को पहचान लिया. फिर यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां दृष्टि जाए वहां परमात्मा है. देखो ये मंत्र का तात्पर्य तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के अंत में दिया है. वो कहते हैं कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम. जैसे जो लोभी व्यक्ति है, लोभी व्यक्ति को कहीं भी जाए पैसे के सिवा कुछ दिखता ही नहीं. देखो एक बार हम हमारे फ्रेंड के लड़के को लिए मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे. लड़के को ये था पोलियो, तो मेरे साथ बैठ गया. झांसी के रानी के जैसा पकड़ लिया उसने मुझे और हम चले गए. उसके पिताजी अपनी पत्नी को और बच्चे को लेके आ रहे थे. हम पहुंच गए वहां. पहुंचने के पश्चात उसने कहा कि स्वामी जी पापा आने के पहले मुझे दोसा खिलाओ. पापा नहीं खिला खाने देंगे दोसा. तो ठीक है फटाफट दोसा का ऑर्डर किया और दोसा आ गया. हमने फट से शुरू कर दे. बोले पापा डांटेंगे. देखो ही मत उधर, खाने से मतलब है, झूठ करने के वो वापस नहीं ले जाएगा. और उसने बताया पापा कहेंगे क्यों इतना पैसा खर्चा किया, 25 रुपए के दोसे में तो पूरे कस्बे को खाना खिला सकते हैं. अब तुम वहां गए हो पिकनिक के लिए, पैसा बचाने के लिए गए हो क्या, खर्चा करने के लिए गए हो. जो लोभी व्यक्ति है पैसे की सिवा कुछ नहीं सोच सकता. इसी प्रकार से जो भगवान का भक्त है भगवान की सिवा कुछ नहीं सोच सकता. यही विधि राखे राम तेही विधि रहिए कहना अलग है और जीवन को जीवन में उतारना अलग. जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए ना वो चिंता नहीं करता, वो मस्त रहता है. उसके खुशी का कोई कारण नहीं है, बेकार का ही खुश है वो.
हम लोगों को आश्चर्य लगता है, गुप्ता जी क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। माने कोई दुखी हो तो हम नहीं पूछेंगे, यह हमेशा कह रहे जो कभी खुश हो गए तो सरप्राइज ही। एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी जैसे आपके ओशो, उनका एक कैरेक्टर था मुल्ला नसरुद्दीन, यू ऑलमोस्ट रेड। उसके बाद भगवान शंकराचार्य का कैरेक्टर था विष्णुदत्त या देवदत्त उस समय ना। बोले आपने ये गुप्ता जी कहाँ के लिए है ना, ये हमारा कैरेक्टर है। बोले गुप्ता जी कहाँ से लाए आप? हमने कहा मैं बताओ उसकी कहानी। एक बार हम झुमके वाले बरेली में थे और पेड़ के नीचे एक चाय की छोटी सी दुकान थी और ऐसा बड़ा लंबा बेंच था, बीच में चेस बोर्ड रखा था, इधर से एक आदमी इधर से एक आदमी, इसके पीछे पांच छह लोग, इसके पीछे पांच छह, बीस आदमी के पीछे का कोई कॉमेंट्री कर रहा था। अरे गुप्ता हाथी को चला दो बार, फिर गुप्ता ओम घोड़े को चला, बता रहा ये कर रहा और ये जीत गया। फिर बोले यार कौन बता रहा था? बोले मैं बता रहा था। तुमको कैसे पता चला मेरा नाम गुप्ता है? बोले मैं हर बेवकूफ को गुप्ता ही कहता हूं। उस दिन के बाद मुझे गुप्ता बहुत पसंद आया, साक्षात गुप्ता का अवतार हो गया। या कोई है क्या? कई जगह में गुप्ता हमारे होस्ट होते महाराज। तो इस प्रभु का दर्शन जिसके हृदय में होता है ना, उसको खुश होने के लिए कुछ कारण नहीं चाहिए। छोटी मोटी चीजें, those who can be happy over silly things, they have discovered the truth. You don't have to have great reason to be happy. No, any silly things. छोटे बच्चे देखो ना, एक बच्चे को मैंने ये पहले जो आती थी ना स्नेल मेल, तो उसके जो टिकट होते हैं फॉरेन के, मेरे पास काफी इकट्ठे हो गए थे। मैंने उसको पूछा है तेरा हॉबी क्या है? स्वामी जी आई कलेक्ट द स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प। अच्छा, तो मैंने उसका पूरा मेरे पास जो पैकेट था दे दिया उसको। इतना खुश हो गया, इतना खुश, उसकी आंखों में चमक देखो। और हमको 10 लाख की लॉटरी भी लग जाए वो, लेकिन उसको तो 20 की लगी थी। दरिद्री जितना है उतना खुश रहो ना। इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी लर्न दिस, नेवर कंपेयर। कंपेयर करना ही है तो अपने आप से कंपेयर करो कि पहले मुझे 1 घंटे में 10 लाख बार गुस्सा आता था, अब 9 लाख बार आता है। बढ़िया है, बेटर है, इंप्रूवमेंट हो रही है। देखो तो इस प्रकार से जिसने अपने मन को सुधारा है, अब उसका दर्शन क्या होगा, यहां के बाद दूसरा प्रसंग शुरू होता है। हम जिस भगवान को ढूंढने जा रहे हैं ना, जिसको ढूंढते थे गली गली, जो दिल के अंदर मिली शांति, देखो तो ये भगवान को दर्शन करने के लिए अब यहां से नया प्रसंग। भगवान कहते हैं यदा नित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमानकम्, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणापान समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च, वेदैश्च सर्वै अहम् एव वेद्यः, वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। ये 5 श्लोकों में भगवान ने अपना दर्शन कराया है। देखो एक सिद्धांत तो ये है, कारण का दर्शन कार्य के कारण होता है। कॉज इज नोन ओनली थ्रू द इफेक्ट। जैसे आम लोगों को गर्मी हो रही और एक आदमी को बहुत ठंड लग रही है, पता नहीं कितना ठंड है या सब गर्मी है, कहाँ की ठंड, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो ये उसका एक लक्षण हो गया। तो फिर ये लक्षण हम डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर कहेंगे इसको मलेरिया हो गया। तो लक्षणों से रोग का निदान होता है। इसी प्रकार से ये जगत को देखने से परमात्मा का दर्शन होता है। यदि हम
उसी प्रकार से डॉक्टर के जैसे लक्षण को देखा, रोग का निदान किया। इन कौन सा डॉक्टर सक्सेसफुल होता है? ही हूज डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज परफेक्ट। नहीं तो एक पेशेंट आया, उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने लिख दिया। अब पेशेंट गया तो उसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी जाना चाहिए ना। इन कॉन्स्टिपेशन डॉक्टर के साथ रह गया, दूसरा पेशेंट आया, उसको डिसेंट्री दी, उसको भी कॉन्स्टिपेशन के ठोक दिया। तो हर जगह में हमको ये जो विवेक है इसको जागृत रखना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस माने अपने विवेक को जागृत करो। तो पहले बता दें, यत आदित्यगतम तेजः, सूर्य में जो प्रकाश है तेज है, तत् तेजो विद्यमानकम्। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है सुबह सूर्योदय के पहले उठना आवश्यक है। जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं अगले जन्म में खटमल होते हैं। तो कहीं खटमल देखो तो पूछ लेना, पापा मामा अगले जन्म में आ जाएंगे, मारना मत उनको। लेजी, गिव अप दिस लेजीनेस इन लाइफ। इसी देखो कितने फायदे होते हैं। पहली बात, हमको जल्दी उठा करके बिस्तर से शास्त्र को कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप जल्दी उठो या देर, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो आपकी भलाई के लिए शास्त्र बताते हैं ना। दूसरी बात, यदि आपको सुबह जल्दी उठना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली रात जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सो जाओगे तो फालतू की चीजें देखना बंद करोगे, ये टीवी के यूजलेस सीरियल और भयानक हॉरर मूवीज, चलती गाड़ी में लटकती लाश, टनन। अब ऐसे करके सो जाओ तो क्या सपने में कन्हैया आएंगे? कितना ध्यान रखते हैं अपने खाने का, लेकिन मन को क्या खाना दे रहे हैं कभी ध्यान रखा है? देखो महाराज, इसीलिए एक सिंपल एक रूल है, इफ यू बिगिन योर डे एज नो बडी। हम गहरी नींद में वी आर नो बडी, हम वहां पति ने, पत्नी ने, भाई ने, बाप ने, माँ ने, कुछ नहीं, वी आर नो बडी। जब तक के हमारी साधना पूरी नहीं होती तब तक के हम कुछ बने नहीं। तो सुबह 4 बजे उठे, मॉर्निंग एबीसीडी खत्म कर ली 15-20 मिनट में, नहा धो के तैयार हो गए, फिर यू आर कंटिन्यूइंग एज नोबडी। जब तक के आपकी उपासना, आपका जप, आपका ध्यान, आपका शास्त्रों का अध्ययन जो भी करना है, जब तक पूरा नहीं होता 2-3 घंटे, तब तक के आप दुनिया के नहीं हो। इसीलिए गायत्री की उपासना बताते हैं। गायत्री की उपासना करने का योग्य समय होता है, आकाश में अभी तारे हैं, खत्म नहीं हुए, और अरुणा आ गई है, सूर्य के आने का थोड़ा सा संदेश मिल गया है, उसको कहते हैं उत्तम संधि, श्रेष्ठ संधि। उस समय में आदमी ने नहा धो करके गायत्री का जप करना चाहिए। और उसमें क्या होगा, ये बात मुझे एक महात्मा ने बताई थी, बद्रीनाथ में बंगाली संत थे, हम उनके साथ रहते थे, वो कुंडलिनी मार्ग वाले योगी थे और हम अपने गप टिकाने वाले थे, हमारी तुरंत की बड़ी अच्छी दोस्ती। वो किसी को अपने आश्रम में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने थे, हमको ओवर एक थे, जितना मर्जी रह लो। तो रोज हम सुबह दोनों बैठ करके ध्यान करते थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन पूछा कि स्वामी जी आपको पता है क्या, मैं किस चीज का? बोले सुबह ध्यान करने का क्या कारण है, महात्मा लोग बताते, संत बताते, शास्त्र बताते, जल्दी उठ करके ध्यान करने का क्या कारण है? हमने कहा देखो मैं ध्यान करता ही नहीं, मुझे क्या मालूम। तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरु महाराज ने बताया है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो साधक ध्यान धारणा करते हैं उनको ये सिद्ध महात्मा
संपूर्ण जगत का भ्रमण करते हैं, वो जाकर के उस साधक को दिशा निर्देश और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। आपको अगर किसी को मिलना हो तो आप पहले पूछते हैं वो कब मिलेंगे, तभी तो जाओगे ना, तो भगवान कब मिलेंगे, जब आप कुछ भी नहीं हो, व्हेन यू आर नोबडी। इसीलिए यह सूर्य की कहते हैं कि सूर्य में जो तेज है वो मेरा तेज है, तो हम लोग सूर्यवंशी है। सूर्य को उठने के बाद उनके आने के पहले कैसे उठे, अरे राम राम उठो। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो तीन चीजें हैं, आलस्य निद्रा प्रमाद। आलस्य आज करे सो कल कर, कल करे सो परसो, परसो भी क्यों करना, जीना है बरसो। इतना लेजीनेस टसा टस भरा हुआ है, गिव अप दैट लेजीनेस। दूसरी बात निद्रा, निद्रा दो प्रकार की होती है। जिस निद्रा के खत्म होने के बाद हम नींद से बिस्तर से निकलते नहीं और बिस्तर में दोषा के जैसे पड़े रहते, पहले अपनी पीठ पर पड़े रहेंगे, फिर वो दुखेगी, फिर हम बाएं करोड़ पर आ जाएंगे, फिर वो भी दुखेगी, फिर दाहिनी करोड़ पर आ जाएंगे, फिर वो भी दुखेगी, फिर भुजंगासन करेंगे, और फिर जब यहां प्रेशर आने के कारण जब नेचर्स कॉल आएगा तब नेचुरली उठेंगे। हद हो गई जनाब। उपनिषद में स्पष्ट आता है उत्तिष्ठत जागृत, ऐसा नहीं है जागृत उत्तिष्ठत, पहले निकल जाओ बेड से फिर जग लेना। देखो नींद से निकलना और बिस्तर से निकलना, इसमें जितना ज्यादा अंतर होगा उतना आप अपने बड़े दुश्मन हो। नींद से उठने के बाद बिस्तर से एक क्षण में निकल जाना है, वो जो लैग पीरियड होता है दैट टाइम इज कॉल्ड एज वूल गैदरिंग। कितना अनावश्यक विचार करते रहते, खुजुर 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 खुजुर, तो जितनी हमने चार्ज की थी अपनी बैटरी रात भर में वो सब की सब उस समय में डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर सुबह उठने की अब क्या, अब मुझे मन नहीं कर रहा उठने का, एंड देन वी स्टार्ट अवर डे लाइक ए ओल्ड एम्बेसडर कार, धक्का लगा। तो यदा नित्य गतम तेजो जगत भासे ते खिलम, भगवान के सूर्य के प्रकाश का यदि आदर करना है, बिगिन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग। इज ए क्वेश्चन ऑफ ओनली हाउ यू ट्रेन योर सेल्फ, कोई कठिन नहीं। यदा नित्य गतम तेजो जगत भासे ते खिलम, फिर यह चंद्रमसी, और जो चंद्रमा का है वो भी मेरा ही तेज है भगवान के। यच्च अग्नौ, जो अग्नि की दाहिका शक्ति है वो भी मेरी है। अब देखो ये तीन उदाहरण दिए उन्होंने, यद आदित्य गतम तेजा, अरे बाप रे भगवान तो बहुत दूर है वहां कौन जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। यह चंद्रमसी, चंद्रमा तो नजदीक है ना, नहीं वो भी बड़ा दूर है, ठंडा है बहुत ज्यादा, उसमें ज्यादा गर्म है उसमें ज्यादा ठंडा है। अच्छा तुम्हारे जेब में लाइटर होगा, नहीं बीड़ी पी रहा है, तो यश अग्नौ उसमें भगवान है ना। अब कितना नजदीक ला रहे प्रभु हमको अपने पास, यच्च अग्नौ तत् तेजो विद्यमानम्। इसीलिए दो प्रकार के साधक होते हैं जो जप करते हैं, उसमें आलस और गलतियां होने के 100% चांस होते हैं, दूसरे जो है वो हवन करते हैं। जैसे बीच में हवन अग्नि कुंड पटा दिया, उसके बाद फिर धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय स्वाहा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा फिर स्वाहा। जब आप अग्नि में आहुति डालोगे इधर उधर नहीं कर सकते, यू हैव टू बी केयरफुल। और जब मैकेनिकल जब कर दे राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम, देखो इसीलिए
ये अग्नि की उपासना करने का तात्पर्य है, यू हैव टू बी अलर्ट, यू कांट बी लेजी, यू हैव टू बी अलर्ट। अग्नि तो जैसे अग्नि के साथ संबंध रखते समय हमको अलर्ट रहना पड़ता है, वैसे ही परमात्मा के दर्शन के लिए सतत जागृत रहना है। देखो, और यही एक सिद्धांत आप लेके चलो तो बड़ा आनंद आता है। देखो, एक जैसा सिद्धांत है, हमारे जीवन में भगवान की सेवा कोई नहीं आता, बड़ा सिंपल सिद्धांत है। भगवान ही किसी भी रूप में आ जाए, उनका मौज है, हम कौन उनको कंपल कर सकते हैं। इसका हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया। हम प्रयागराज से हावड़ा जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, उस समय जवान थे, और हमको रेलवे का टिकट दे दिया हमारे होस्ट ने। बड़े मुश्किल से पहुंचे स्टेशन पर, चलती गाड़ी भी हमने सूटकेस रखी, अंदर घुस गए, और फिर टीटी आया, बोले टिकट दिखाओ। उन दिनों में वो ऐसा कड़क टिकट होता था, कागज का नहीं होता था, हाँ हार्ड टिकट, वो दिखा दिया, बोले अगले स्टेशन में उतर जाओ, तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं है। तो मैं चुप रहा, क्या करें, मुझे लगा है रिजर्वेशन, लेकिन जिसने दिया बेवकूफ बना दिया, बोले टिकट है आपका, जाओ। हम चले गए। उसके पश्चात वापस जब आया वो, तो फिर उसने कहा उतरे नहीं आप। तो मैंने बोला कि अब मैं इससे कैसे बचूं, तो मैंने उसको अंग्रेजी में कहना शुरू कर दिया कि देखो मुझे हावड़ा जाना जरूरी है, सुबह मेरे लेक्चर है वहाँ, सब लोग राह देखेंगे, मैं नहीं जाऊँगा तो सब गड़बड़ी होगी, मुझे मालूम है कि मेरे रिजर्वेशन नहीं है, मैं यहाँ बाथरूम के पास बाहर ही बैठूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूँगा, प्लीज अलाउ अलाउ, अंग्रेजी में कहा। और यूपी का भैया, अंग्रेजी आती नहीं। फिर उसने कहा ठीक है ठीक है। उस दिन मैंने देखा अंग्रेजी मैया की जय, जो काम हिंदी से नहीं हुआ अंग्रेजी से हो गया। अच्छा, गाड़ी शुरू हो गई, और वहां एक सज्जन थे, और सब लोग थ्री टीयर का कंपार्टमेंट, सब लोग सो गए, और वहां इसमें ये सज्जन अपनी बाकायदा बोतल खोल करके बैठे, और फिर मुझे कहते थोड़े बहुत लिक्विड स्पिरिचुअलिटी होने के बाद, फिर मुझे कहते आप कब तक खड़े रहोगे। हमने कहा ना हावड़ा तक। बोले नहीं नहीं खड़े मत रहो। ठीक है फिर क्या करो। बोले बैठो। तो मैं वही नहीं वहां पर बैठो, यहाँ आके बैठो। उन्होंने मुझे अपने बगल में बैठा दिया और उनका शुरू हो गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो ज्यादा ही डिग डिग कर रहे थे, हमने कहा कि भगवान आप बैठो, मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो मैंने उनकी वो बोतल ली और ग्लास में डाल के उनको दे दी। बाकी के लोग देख रहे बाबा जी भी वही सही दिखता है। अच्छा, उसको दे दी और फिर धीरे धीरे फिर वो एकदम सो गए। तो खिड़की की तरफ सर कर लिया और उनके चरण कमल मेरे गोद कमल में रख दिए, और चार छह घंटे आठ घंटे सोने के बाद वो उठ गए। उठने के बाद बाथरूम बाथरूम जाके आए, बोले कब तक बैठे रहोगे। हमने कहा हावड़ा तक तो बैठना ही है ना। बोले नहीं नहीं बैठो मन, मैंने खड़े हो जाओ। नहीं नहीं आप सो जाओ। फिर वो बैठे, मैं सो गया, और फिर सुबह उठे हावड़ा में। जब गए हम वहां तो हमको लेने के लिए लोग आए थे, बड़ी बड़ी हार माला फूल वगैरह, और नमस्कार चमत्कार हो रहा था, ये देख रहे थे आप बड़े दिखते हो। नहीं नहीं बड़ा आदर देने वाला होता है, आदर लेने वाला बड़ा नहीं होता। हमने कहा हमको तो ये लोग दे दिया आदर, ये बड़े, हम काम तो बेकार है। बोले नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता। बोला ठीक है जैसा समझो। फिर उन्होंने अपने जेब में से, उन दिनों में 500 के नोटे नहीं हुआ करते, 100-100 के नोटों का इतना बंडल निकाला। बोले आपको देना। मैंने मुझे मत देना, मुझे कुछ नहीं जरूरत नहीं, आई डोंट वॉन्ट। तो बोले क्यों क्यों नहीं लेते। मैंने मुझे जरूरत ही नहीं, मैं लेके क्या करूं। बोले मुझे इसलिए देना है कि आप पहले आदमी मिले मुझे जिसने मुझे ये नहीं बताया कि तुम दारू पीना बंद करो। हर एक आदमी मिला यही बताता था, आपने कभी नहीं बताया, एक बार भी नहीं बताया। ऑन द कॉन्ट्री आपने मुझे मदद करी, तो ये आपने क्यों किया। हमने कहा देखो हमारा नियम है, हमारे यह कन्हैया के सिवा कोई आता नहीं, तो इस समय पी के आया हुआ
मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर उसने कहा अब मैं आपको बताता हूं क्या करो इसका, मैंने बोला किसी स्टूडेंट को पढ़े के लिए दे देना, उसका भला हो जाएगा। फिर उसने स्वयं होके कहा मैं आज के बाद आपको बताता हूं मैं कभी नहीं पीऊंगा। देखो किसी में भी अच्छाई जो है वो प्रभु है, लेकिन हमको अच्छाई नहीं दिखती, अच्छाई परमात्मा है। जिस प्रकार से तेज में भगवान है सूर्य के, ठंडक में भगवान है चंद्र के, और आग में भगवान है अग्नि के, उसी प्रकार से वही परमात्मा सब में व्याप्त है। ये बताने के लिए ये प्रसंग है, और ये अपने जीवन में उतारना है। उसके बाद अब भगवान देखो धीरे धीरे नजदीक आ रहे, सूर्य से हटे चंद्रमा में, चंद्रमा से हटे अग्नि में है, अब अग्नि से हटे पृथ्वी में आ गए। यद गामा विश्वस्य भूतानि धारयाम्यहमोजसा, अब मैं गाम माने पृथ्वी, गाम माने पृथ्वी, गाम पृथ्वी में आविष्य प्रवेश करके मैं अपने ओजस से सभी भूत मात्र को, सभी प्राणियों को जीवन धारण कराता हूं। कितने नजदीक आ गए भगवान। और क्या करता हूं, पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूतवार सात्मका, तो मैं औषधि का तात्पर्य है जो हम खाते हैं ना चावल दाल गेहूं आटा, उसको औषधि कहते हैं, वनस्पति बड़े होते हैं। तो पुष्णामि च औषधि सर्वा, सभी औषधियों को मैं ताकत देता हूं, पोषण करता हूं, और कैसे सोमो भूतवार सात्मका, अन्न में जो रस है क्षुधा शांति का, यह जो रस है यह भगवान की उपलब्धि है। देखो कितने भगवान नजदीक आ रहे हैं। जैसे जैसे हम इस परमात्मा के बारे में जागृत हो जाते हैं ना, वैसे वैसे यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। गिव इट ए ट्राई एंड डिस्कवर द ट्रुथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।